सो आज बनाए पनीर पराठा फॉर ब्रेकफास्ट बनबले बहुत बेसि इजी है और खाओ बहुत भल लगे तो बनबले आरम्भ करूँ और आज मैं चाई इंस्टेंट खिचड़ी अफगानिस्तान इराक और जिंदा बचे तो पहले पिस्तौल और बॉक्स और छुरी छाती कैंची एक धार वाली चीजें और पेट्रोल और केरोसिन ये ले खाना बनाना गैस सिलेंडर के बारे में कुछ नहीं बोला उन्होंने हमारी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई है अपनी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई कौन सी एग्जाम में अपने जाने क्यों दिया उसे एग्जाम देने फेल हो गई है मतलब ब्रेक तुम्हारी तरह बन गई है वो भी काम नहीं कर रही है ऊपर से पंचर भी हो गई है पंचर राजू ये क्या किया आपने मैंने क्या किया गुस्सा आप गुस्सा करते हैं बिल्कुल अच्छे नहीं लगते अरे ये तो किसी भी तरह अच्छे नहीं लगते हैं मेरी हो देगी नालायक बेचारा मैली सा पति सारा सामान उसमें रखोगे तो मैंने क्या कहा रुक रुक मैं बताती हूँ নিমখ তেল আৰু গৰম পানীৰে ভালদৰে আটাটো মাৰি ললো এতিয়া ফিলিংটো ৰেডি কৰিম আৰু এতিয়া মই চাই আছো সারা ভাই ভাৰ্সেছ সারা ভাই মায়া দিস ইজ ভেৰি বেড রোজ কে মুকাবলে তুমি মনীষা কো কুছ জ্যাদা হি ডাঁট খিলা দিয়া আজ ओह, सो तुमने मनीषा 3FM रेडियो पे ऑलरेडी सुन लिया एक्सेलेंट क्या कहा मेरी प्यारी बहू ने मेरे खिलाफ कुछ ज्यादा नहीं एक मिनट हजार एक ऑफर करे तो नहीं 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 अगर उसने इनकार कर दिया तो इस आपने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की स्पीच में ऐसा कह दिया तो चाय पाई की कसम दे देते हैं दैट इज हॉरिबली मिडिल क्लास रोसेज एंड डिस्गस्टिंगली मेलोड्रामेटिक कुछ और सोचो अगर भाभी को कुछ हो जाए तो यू मीन मर्डर ओह नो रोसेज आई टेल यू व्हाट अ स्प्लेंडिड परफॉर्मेंस मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं अच्छा आप मुझे स्पीच देने से रोकना चाहती है ना टू बी फ्रैंक यस माया बताऊं नमस्ते वेलकम एंड रिगार्ड्स टू ऑल मैं मोनिशा साराभाई बीए विद सेकंड क्लास अपनी सास माया साराभाई एमए विद डिस्टिंक्शन के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ मेरी सास एक आदर्श सास है माया व्हाट इज दिस तुम्हें मोनिशा के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना था ना आगे पढ़ो इंद्र बताएं ओके ओके मेरी सास एक आदर्श सास है मेरी सास हमेशा कहा करती है कि स्टीवन स्पीलबर्ग ईटी पार्ट 2 बनाएंगे तो ईटी का मेन रोल मुझे ही देंगे मेरी सास बिल्कुल उसका पति सिर्फ मेरा है सीरियल की मेन सास के जैसी है सास के तीन गुण होते हैं बहू को ताने मारना बाहर वालों के सामने उसे नीचा दिखाना और अपने बेटे पर हमेशा अपना हक जमाए रखना स्टॉप इट स्टॉप इट स्टॉप इट कौन से ये स्पीच पढ़ेगी साहिल लेट्स फेस इट मोनिशा एक नादान आज